सो हेलो गाइस, दिस इज मनोरंजन एंड वेलकम टू बुल्स प्रो। तो जैसे आप जानते हैं कि लास्ट डे का जो वीडियो था हमारा, तो उसके हिसाब से आपको मार्केट रिस्पॉन्स नहीं किया है। आपको दिखेगा लास्ट डे का जो हम लोग एनालिसिस किए थे, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन आया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल का जो मार्केट एनालिसिस है तो वो क्या क्या बोल रहा है एक्चुअली, तो क्या क्या फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर ढूंढ पाते हैं। तो आप जैसे देख पाते हैं कि मतलब नीचे, मैं बहुत बार बताया आप लोगों कि नीचे एक एकुमुलेशन फॉर्मेशन है, इसीलिए मार्केट बार बार यहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो 16,815 का जो मार्क है, तो वहाँ से मार्केट बाउंस बैक बार बार होता है। तो क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है और यहाँ से बार बार मार्केट बाउंस बैक हो रहा है, तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से तो देखना ही है। तो अगर ओवरऑल सिनारियो के बाद आप कर रहे हैं, तो ओवरऑल सिनारियो में आपको दिखेगा कि मार्केट बेरिश, मार्केट ऑफ कोर्स बेरिश है दिखेगा। और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखते हैं, तो आज का आप देख पाएंगे कि नैसडेक डाउ जोन्स दोनों ही वीक है, और उसमें भी एक समथिंग आई होप 300 का एक फॉल दिख रहा है आपका डाउ जोन्स में, और उसमें नैसडेक में समथिंग 30 या 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो मार्केट में भी नेगेटिविटी आपको मिल रहा है, लेकिन नीचे आने का प्रोबेबिलिटी अभी बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का ही कम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रैली टाइम फ्रेम में फ्लैग एंड पोल एक पैटर्न है, एक्युमुलेशन नीचे है आपका, और जितने बार नीचे आया है उसके बाद बाउंस बैक कर गया है यहाँ से। तो पॉसिबिलिटीज तो है कि यहाँ से मार्केट बुलिश मोमेंटम दे। इन एनी केस अगर नहीं देता है, तो नीचे वाला आपको मालूम है 16,406 निफ्टी में आपका मालूम है, और अगर बैंक निफ्टी में अगर आप बोलते हैं तो वहाँ पर 35,000 समथिंग उसको बनता है एक्चुअली। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ और ये लेवल आपको पता है। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अभी भी नेगेटिविटी आपको दिखेगा, और इससे आपको यही लगेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा नीचे फिर से। और ये जो पोजीशन है जहाँ पर आज मार्केट क्लोज हुआ है, वो है जो गैप डाउन हुआ था वहाँ पर, उस गैप डाउन के जो पोजीशन है वहाँ से। तो आप मान सकते हैं कि जो गैप डाउन हुआ था वहाँ से, तो उसके बाद मार्केट एकदम से कैसे रिवर्स किया था, तो उसी हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आपको हो सकता है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट दिखेगा, उसके बाद फिर से मोमेंटम आएगा, लेकिन बुलिश मोमेंटम ज़्यादा प्रेफरेबल है। और ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, 17,000 का जो मार्क है वो अभी जो बुलिश मोमेंटम के लिए रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। तो उस मार्क को अगर पार कर लेता है, तो उसके बाद बुलिश मोमेंटम आपको अप टू एटलीस्ट 200, तो 17,200 तो होगा ही। और आप अगर ओआई के हिसाब से जाएंगे तो 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद आपका आ जाता है 100-200 पे, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बन रहा है बुलिश व्यू पॉइंट के लिए। और अगर बेयरिश होता है तो बाकी आपको मालूम है। तो 30 यहाँ पर देखिए, अगर 17,200 का हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे पुट के लोग भाग चुके हैं, मतलब एग्जिट कर चुके हैं। तो इसके हिसाब से मार्केट में आपको एक सीधा सीधा दिखेगा कि बेरिश मोमेंटम कल फिर से होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि जितना मार्केट आपको प्रेडिक्टेबल दिखेगा, उतना मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आपको आपको दिख रहा है बेरिश मोमेंटम, लेकिन आपको सोचना चाहिए बुलिश के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में यही होता है एक्चुअली, कि आपका जो इमोशन मतलब होता है उसके अगेंस्ट ही मार्केट बार बार जाने का कोशिश करता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं, तो आपको बेरिश मोमेंटम नहीं, बेरिश मोमेंटम के लिए नहीं सोचना है एक्चुअली। आप बुलिश के हिसाब से सोचो और उसी हिसाब से आप टारगेट सेट करो। तो टारगेट आपको वहाँ से मालूम चल जाएगा कि 249 का जो मार्क है, मतलब 50 EMA के, सॉरी 5 EMA के ऊपर आपका फर्स्ट टारगेट बनता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो 249 का जो मार्क है, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 150 पॉइंट्स है एक्चुअली, तो उतना तक तो जाएगा ही अगर बुलिश होता है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा
ये सारे मार्क्स आएगा कि सपोर्ट सुपर ट्रेंड जो है उसको सपोर्ट के हिसाब से आप देखिए, अगर उससे मार्केट नीचे आता है तो उसके बाद डायरेक्टली जो नीचे का पॉइंट है आपका तो आ जाएगा 35,363। हाँ सुबह हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस मतलब मार्केट नीचे खुले, लेकिन मार्केट में आपको बुलिश मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि इसमें भी एक ही फैक्ट्स है कि यहाँ पर भी प्रेडिक्टेबल दिख रहा है बहुत ज़्यादा मार्केट, क्योंकि 37,500 वहाँ पर अभी भी कॉल का जो अगर आप बिल्डअप देखेंगे कॉल का बिल्डअप ज़्यादा है और पुट का बिल्डअप कम है, और यहाँ से 5 लाख लोग भाग चुके हैं जो पुट वाले थे मतलब वो स्क्वायर अप कर चुके हैं। तो और ये जो है आपका मार्क अप टू आप बोल सकते हैं 37,500 to 38,000, तो इसमें जो लोग है बहुत कम लोग है, तो क्योंकि ये सारे पोजीशन पे लोग बहुत फेयरफुल है इसीलिए नहीं है एक्चुअली। तो क्या है कि 37,000 का जो मार्क है वहाँ पर लोग ज़्यादा है पुट का, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें तो डिसाइसिव होगा सुबह ही मार्केट खुलने के बाद। आपको ये जो 2 लाख का डिफरेंस आपको दिख रहा है तो मार्केट खुलने के बाद ही ये डिसाइसिव हो जाएगा कि भाई किस तरह है। तो इसीलिए मार्केट खुलने के 15 या 30 मिनट्स आप देख लो पहले, उसके बाद कोई भी पोजीशन के बारे में सोचो, अदरवाइज आप कभी भी लॉस कर सकते हैं, मतलब आपके अगेंस्ट जा सकता है कभी भी मार्केट। तो यही सारी चीज़ें आपको देखना है कल मार्केट पे, और प्रेफर करो कि आप बुलिश मोमेंटम के लिए सोचो। अगर बेरिश होता है, बेरिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बेरिश हो जाता है तो आप उसके हिसाब से जल्दी से चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले से ही बेरिश मोमेंटम के लिए मतलब मार्केट ओपन हुआ आप बेरिश व्यू पॉइंट लेके पुट बाई कर लिए तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि कभी भी यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से आपका 500 पॉइंट का एक मूवमेंट आ जाता है तो बहुत ज़्यादा लॉस दे देगा आपको, तो इसीलिए 15 to 30 मिनट्स आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें ही मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो है मार्केट में जो होना है एक्चुअली तो वो फर्स्ट 30 मिनट्स में डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद आप उस मोमेंटम को जस्ट कैरी फॉरवर्ड करो, बस उतना ही आपको सोचना है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।